सीने ये फौलादी हैं, हम अंबेडकर वादी हैं, सीने ये फौलादी हैं। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ गौरव बौद्ध। आज बड़े दुख का समाचार है कि बौद्ध विद्वान शेर के समान निर्भीकता पूर्वक बहुजन समाज की बात रखने वाले भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी हमारे बीच नहीं रहे। सम्यक प्रकाशन द्वारा बहुजन आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाले, बहुजन समाज को सही दिशा देने वाले प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान, बहुजन चिंतक, समाज सेवी, चित्रकार, नवयुगों के प्रेरणा स्रोत मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी, जिनका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी गोद में खिलाया और उनका नामकरण किया, बीते दिन 6 जून को उनका महापरिनिर्वाण हो गया है। ऐसे महान साहित्यकार एवं बहुजन प्रकाशक, बहुजन विचारक और सामाजिक चिंतक और अपने प्रेरणा स्रोत मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी को होकर के कल संपूर्ण बौद्ध जगत अपने आप को स्तब्ध और शोकग्रस्त महसूस कर रहा है। मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी का आकस्मिक निधन समाज की अपूर्णीय क्षति है। आज उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, बहुजन समाज को आज़ाद कराने की जिम्मेदारी हम सभी बहुजन समाज के लोगों पर देकर चले गए। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अभूतपूर्व श्रद्धांजलि। साधु साधु साधु। ये शब्द दिल्ली बिजली बोर्ड के BSES के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर अनिल कुमार जी के हैं। बहुजन वैचारिकी को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने परिवार को सैनिकों की तरह देश समाज में उतरकर खुद सेनापति की भूमिका निभाने वाले महोपाशक बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का अचानक देश समाज से जाना एक ऐसा समाचार है जिस पर विश्वास करने में उनके प्रशंसकों को काफी समय लगा। जब देश के कोने कोने से उनके कई प्रशंसकों ने खबर की पुष्टि करने के लिए फोन किया तो कुछ समय के लिए मैं भी सन्न रह गया। लेकिन जब उनके सुपुत्र कपिल स्वरूप बौद्ध के टाइमलाइन पर पापा जी नहीं रहे देखा तब पुष्टि हुई। शांति स्वरूप बौद्ध जी के भारतीय बौद्ध महासभा के अनन्य साथी रामपाल गौतम जी भी कल ही हम सबको छोड़कर चले गए। बहुजन समाज में अपनी सक्रियता, बुद्धिजीविता से समाज में चेतना का प्रसार करने में दोनों मनुष्यों का बड़ा योगदान रहा है। यदि ये कहा जाए कि बतौर सम्यक प्रकाशन के संस्थापक प्रकाशक कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोलकाता तक उन्होंने लेखकों की एक बड़ी फौज की एक रेजिमेंट छोड़कर गए हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनका पूरा परिवार उनके प्रकाशन कार्य को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं और उनके पुत्र संदीप बौद्ध, कपिल बौद्ध उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। ये एक संतोष की बात हो सकती है, परंतु उनका हमारे बीच से जाना उनके परिवार ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए एक ऐसी क्षति है जिसे पूरा करना असंभव है। उनसे मिलने जुलने वालों को ये पता है कि उनका व्यक्तित्व चुंबकीय था। कोई पहली बार जब उनसे मिल रहा हो तो पहली मुलाकात में ही वो उनके व्यक्तित्व का कायल हुए बिना नहीं रह सकता था। डॉक्टर मनीषा बांगर, जो कि सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड लीडर और बामसेप की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, वो अपनी फेसबुक वॉल पर लिखती हैं कि बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के चले जाने से बहुजन समाज ने अपना बहुत शक्तिशाली और जाबाज कमांडेंट खो दिया है। शांति स्वरूप बौद्ध जी हमसे जब भी मिले पब्लिक मीटिंग में ही मिले, वो भी दिल्ली में ही। पिछले मई में मालवनकर हॉल में मैं और उससे पहले जंतर मंतर में कॉन्स्टिट्यूशन दिवस पर हो रही सभा के स्टेज पर दोनों वक्त बहुत आत्मीयता से मिले। ये इंटरव्यू जो शांति स्वरूप बौद्ध जी ने 10 दिन पहले नेशनल इंडिया न्यूज़ को दिया था, उसी वक्त पहले उनके पुत्र कपिल से और फिर उस दिन तथा दूसरे दिन शांति स्वरूप बौद्ध जी से हमारी फ़ोन पर दो बारी बात हुई थी। कुछ तो साकेत अयोध्या पर बोलते रहे, फिर उन्होंने हमारे काम की सराहना की बहुत दमदार और स्पष्ट उत्स्फूर्त शैली में और खुश होकर बोल रहे थे। हमने भी कहा कि जैसे ही साकेत का मुद्दा सामने आया तो सबसे पहले हमें उनका ही ख्याल आया। साकेत में हुई खुदाई और उससे संबंधित सभी बातों से बहुत आनंदित और उत्साहित थे वे। कोविड की स्थिति ठीक होते ही जब मैं दिल्ली आऊँगी तो उनसे अवश्य मिलूँगी, ये वादा भी किया मैंने। सुनकर उन्होंने फिर एक बार हाँ हाँ बिल्कुल स्वागत है कहा। उसी दिन शाम को उन्होंने ये वीडियो अपलोड होते ही अपने टाइमलाइन से शेयर किया।
बहुजन आंदोलन को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। अभी तो उन्होंने बहुत सारा कार्य करना था, बहुत कुछ लिखना था, ब्राह्मणवाद के खोखले मिथकों और दमन की व्यवस्था को नाकों चने चबाना था। अकस्माक हमें वे छोड़कर चले गए, वे ये काम हम सब पर छोड़ गए हैं। उन्हें भावभीनी आदरांजलि, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य मिले। इसके आगे डॉक्टर मनीषा बांगर लिखती हैं कि अयोध्या यानी मूल का साकेत क्या है, इस जगह का सच जिसे बीजेपी ने अपनी सांप्रदायिक राजनीति और मनुवादी मीडिया ने संहार का केंद्र बना रखा था। बौद्ध स्थल अयोध्या की श्रृंखला में नेशनल इंडिया न्यूज के लिए विचारवंत सामाजिक विश्लेषक तथा बुद्धिज्म के समीक्षक शांति स्वरूप बौद्ध का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इंटरव्यू का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखें। बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध बुद्ध बहुजन नायक कांतीराम के आंदोलन के अभियान में बहुजन साहित्य प्रकाशन के माध्यम से समांतर भूमिका अदा करने वाली शख्सियत थे। यद्यपि कांतीराम साहब अपने आंदोलन की खबरों के लिए बहुजन संगठक प्रकाशित करते थे, फिर भी उनके आंदोलन को स्वतंत्र प्रकाशनों की आवश्यकता थी, जिससे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रकाशित करके बहुजन बुद्धिजीवियों की फौज तैयार हो सके। साहेब कांतीराम के आंदोलन से उपजे बुद्धिजीवियों को कलम का कौशल दिखाने के लिए सम्यक प्रकाशन संस्थित व कर बौद्धाचार्य ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसने आगे चलकर बहुजन प्रकाशनों में वट वृक्ष सा आकार ले लिया और बहुजन साहित्यकारों, लेखकों, कवियों, इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों का आश्रय केंद्र बन गया। सम्यक प्रकाशन के संस्थापक प्रसिद्ध चिंतक एवं विश्वविख्यात चित्रकार द्वारा 2005 में प्रकाशित अपनी जानकारी के अनुसार बताया, अब तक इस प्रकाशन से 300 छोटी बड़ी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रकाशन का अपना संपादक मंडल है जो उचित जांच परख और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पुस्तकों का चयन करता है। प्रकाशन सदैव इस बात के लिए जागरूक है कि पाठकों को मनुवाद और अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकाला जाए, लेकिन ऐसे किसी भी प्रकाशन से परहेज किया जाए जो किसी भी प्रकार का अंधविश्वास पैदा करता हो। उनका किया हुआ इतना है कि उस पर एक दो नहीं बल्कि कई किताबें लिखी जा सकती हैं। उनकी स्मृतियां ही अब हमारी थांथी बची हैं। वो शारीरिक रूप से भले ही त्वलीन हो गए हों, परंतु वैचारिक रूप से सदैव हमारे बीच विद्वान रहेंगे। दुख की इस घड़ी में नेशनल इंडिया न्यूज़ के पूरे परिवार की तरफ से हमारी संवेदना संदीप जी, कपिल जी, सम्यक प्रकाशन परिवार, उनके सभी भाई बहनें, माता जी एवं समस्त परिवार के साथ है। परिनिर्वित शांति स्वरूप बौद्ध जी एवं उनके अनन्य साथी रामपाल गौतम जी को कोटि कोटि नमन। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।